بسم الله الرحمن الرحيم। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद फजील और आप देख रहे हैं इजी डेवलपर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे ब्लॉगर पोस्ट लिख सकते हैं। सो काफ़ी सारे लोगों को मसला होता है कि उनको इंग्लिश नहीं आती, सो वो ब्लॉगर कैसे मतलब लिख सकते हैं, मतलब ब्लॉगर की पोस्ट लिखने में उन्हें काफ़ी ज़्यादा मसला होता है, उन्हें शौक भी बहुत होता है। सो मतलब उन लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हुए वो कॉपी करना चाहते हैं, मतलब वो चाहते हैं कि वो उस जैसा लिखें, लेकिन वो लिख नहीं पाते, उनको ज़बान समझ नहीं आती, या तो फिर काफ़ी सारे मसले मसाइल होते हैं। सो इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप विदाउट कॉपीराइट आप कैसे दूसरों का मतलब दूसरी मतलब दूसरे जो आर्टिकल हैं आप उसे कॉपी करके आप कैसे अपने पोस्ट में ब्लॉगर में डाल सकते हैं। सो आपको सिंपली गूगल ट्रांसलेट पे आ जाना है। मिसाल के तौर पे आपके चैनल चैनल का जो मतलब आपके चैनल का जो रोल है, जो असली रोल है, जैसे हेल्थ पर है, हेल्थ एंड फिटनेस पर है। सो मैंने यहाँ पे हेल्थ एंड फिटनेस लिख दिया है। अब यहाँ पे काफ़ी सारी ज़बानें आपको दिख जाती हैं, आप कोई सी भी ज़बान में करें, मराठी वगैरह जो भी, मैंने अभी किसी मराठी नाम वाली ज़बान पे मतलब करा है। अब मैं यहाँ पे इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके गूगल पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे करने के बाद अब मैं यहाँ पे मतलब ओके कर देता हूँ और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, काफ़ी सारी जगह आती हैं। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, मतलब पहले लिंक पर क्लिक करता हूँ। सो अभी ये ओपन हो रहा है। सो आप काफ़ी सारी ज़बान से मतलब आप कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई कॉपीराइट मतलब आएगा नहीं, कॉपीराइट क्लेम वगैरह नहीं आएगा। आप जब एडसेंस के मतलब एडसेंस पे जब आप अप्लाई करते हैं, सो एडसेंस आपका अप्रूव हो जाएगा। आप यहाँ पे अपनी ज़बान में लिखें, अगर आप उर्दू में लिखना चाहते हैं तो आप उर्दू में लिखें, और अगर आप मतलब इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में लिखें। सो अभी दिस साइट कैन नॉट बी रीच। सो अभी हम एक और उठा के देखते हैं। सो कनेक्शन थोड़ा मसला हो रहा है, सो हम किसी और ज़बान में करते हैं, जैसे मैं कर देता हूँ हिंदी, भी हिंदी ढूंढता हूँ, ये रही हिंदी। सो यहाँ पे करने के बाद अब मैं यहाँ पे इसे कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद इसे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे इंटर करता हूँ। अब पेस्ट करने के बाद इंटर करता हूँ और यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। सो अब यह हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। सो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पे इनकी ज़बान में लिखा हुआ है लेकिन आम बंदा नहीं पढ़ सकता। सो यहाँ पे करने के बाद आप यहाँ पे मुख्तलिफ़ वेबसाइट से थोड़ा थोड़ा कॉपी करके आप लोग यहाँ की मतलब एक अच्छी पोस्ट बना सकते हैं विदाउट कॉपीराइट। सो मतलब ये थोड़ी सी मेहनत का काम है, लेकिन आपकी पोस्ट कई गुना बेहतर हो जाएगी। यानी कि समझ लें, आप थोड़ा थोड़ा कॉन्टेंट किसी से लें, थोड़ा थोड़ा जो भी तो अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं आप लें और वो एक पोस्ट उसकी एक अच्छी सी बना दें नॉर्मल पेज की। सो आपके आपके से आपके जो ब्लॉग पे जो ब्लॉग पे जो व्यूअर्स हैं अब वो ज़्यादा से ज़्यादा आपसे अटैच होंगे। सो यहाँ पे करने के बाद जैसे मैं यहाँ पे इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे डिडेक्टिक लैंग्वेज और यहाँ पे करता हूँ पेस्ट और यहाँ पे कर देता हूँ इंग्लिश। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं वेल बींग हेल्प अ पर्सन टू रिमेंस। अब यहाँ पे हिंदी लिखी हुई है और यहाँ पे इंग्लिश आ रही है, लेकिन अब ये थोड़ा थोड़ा करके आप सब वेबसाइट से आप ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे मैं अब दूसरी वेबसाइट पर आ जाता हूँ, दूसरी वेबसाइट पर आने के बाद आप लोग यहाँ से भी लिख सकते हैं, जैसे एक एक पॉइंट करके थोड़ा थोड़ा कुछ भी आप लोग कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद जैसे मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, मतलब आप लाइन वाइज भी लिख लें उसके बाद कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जो एक अच्छी जो ट्रिक है, आप थोड़ा थोड़ा जितना लेंगे हर वेबसाइट से उतना ही आपका फ़ायदा है। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो एक जस्ट एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोग कैसे कर सकते हैं। आप यहाँ पर आएँ और यहाँ से इसको कॉपी करें और यहाँ पर आके इसे पेस्ट कर दें, यहाँ पे पेस्ट करें और ये कॉपी होता जाएगा, मतलब आप जितना बड़ा करना चाहें आप कर सकते हैं। सो यहाँ पे करने के बाद इसे कॉपी करें और अगर आप लोग चाहते हैं कि यार इसकी उर्दू भी करें, सो इसे कॉपी करने के बाद, एक मिनट, इसे कॉपी कर लिया, इसे कॉपी करने के बाद इसे हटाएं और यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पेस्ट करें और यहाँ पे करने के बाद
अब हम अपनी लैंग्वेज में आपको जो भी ज़्यादा अच्छी लैंग्वेज आती है, जैसे मिसाल के तौर पे मैं उर्दू कर देता हूँ, सो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे मतलब दिख जाते हैं, सेहत को बरकरार रखना और तंदुरुस्ती से इंसान को सेहतमंद रहने और मामूल की भलाई में मदद मिलती है। सो यहाँ पे आपको सारी उर्दू देखने को मिल जाती है। आप यहाँ से कुछ कुछ पॉइंट्स मतलब आप सारा लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, ऐसा कोई मतलब मसला नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करें, तो इससे आपके वो ब्लॉगर पे जो व्यूज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेंगे और जो व्यूअर्स हैं आपसे अटैच भी होंगे। सो आप लोग इसे ऐसे मतलब इस छोटे से मेथड को अप्लाई करते हुए आप अच्छे से अच्छी पोस्ट अपने कंटेंट बना सकते हैं। सो अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।